हेलो गाइस जय हिंद मेरा नाम है सुमित बिजलवान एंड आई एम रिकमेंडेड फॉर एन 145 कोर्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक ए सबसे पहले एन नेशनल डिफेंस अकेडमी एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो एक यूनिक टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा आपको टू मेक योर करियर इन द डिफेंस फोर्सेज ये एक फर्स्ट स्टेप है किसी भी डिफेंस लवर की लाइफ में एन एग्जाम की बात करूँ मैं तो एन एग्जाम इज़ कंडक्टेड बाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यू एंड ट्वेंटी वन ईयर्स की एज में एक क्लास गेजिटेट ऑफिसर बनने का ये सबसे अच्छा मौका है यू पी एस सी एग्ज़ाम जो है नाइन हंड्रेड मार्क्स का होता है उसमें से थ्री हंड्रेड इज़ फॉर मैथ्स सिक्स हंड्रेड फॉर जी एस जी एस या जर्नल एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड्स इंग्लिश फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी सिविक्स जोग्राफी जोग्राफी इकनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथ्स मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा वेटेज क्रिएट कर देता है आपके एन एग्जाम में सो उसके लिए सबसे बढ़िया है अगर आप अपने फॉर्मूलेस पे कमांड रखो आई 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 स्टार्टेड गिविंग एन डी एग्जाम इन टू थाउजेंड में uh, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एंड आई फेल दैट फिर टू का वन और टू भी दोनों फेल हो गए एंड इन टू 2020 का फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हो गया था एंड देन 2020 की सितंबर में ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया एंड वो एन डी और एन डी uh, दोनों के लिए कम्बाइंड एग्जाम था एंड वो ग्लैडली uh, दोनों का रिजल्ट भी सेम ही रहा एन डी uh, अगर मैं बात करूँ मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस देखना चाहूँगा फॉर्मूलास पे फार्मूला के बाद बेसिक क्वेश्चंस जो हैं हमारे एन बुक के एन बुक एक बहुत बड़ा बुन है एक अगर एन के मैथ्स रिटेन की बात करें एन डी बाकी बाकी अगर मैं मैथ्स पे मैथ्स की ही बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका सेट्स आपकी स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और टेक्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड है इसके अलावा अगर मैं बात करूं जनरल एबिलिटी टेस्ट की जनरल एबिलिटी टेस्ट में फ़िज़िक्स केमेस्ट्री मैथ्स यानी कि साइंस पोर्शन में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम और थोड़ी सी आप इंग्लिश में भी इंग्लिश की जो कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश है उसमें भी कम्फर्टेबल हैं तो आप ईजीली थ्री प्लस स्कोर कर सकते हैं उसके अलावा हिस्ट्री जोग्राफी और सिविक्स जो पॉलिटी जिसको हम बोलते हैं वो एक एक ऐसा वो आपको इन्वामेंट एक स्कोर बूस्टिंग आपको एक सब्जेक्ट स्कोर बूस्टिंग वो आपके लिए एक स्कोर बूस्टर की तरह काम कर सकते हैं उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस के तो वो है आपके करंट अफेयर्स पर करंट अफेयर्स पे, पे कमांड रखने के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए एंड न्यूज़ से न्यूज़ के साथ कनेक्टेड फील कीजिए उसके अलावा अगर मैं बात करूं उसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी सब्जेक्ट्स की अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में वीक हैं तो डो नॉट कंसिडर दैट एज़ वन ऑफ द बिग सेटबैक्स फॉर योर इंडिया एग्जाम आप अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए और बाकी को कवर करते हुए चलिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं या फिर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ अपनी इंग्लिश पर फोकस कीजिए इंग्लिश पर फोकस करने के लिए वोकेबलरी एक बहुत बड़ा पॉइंट है वोबलरी और अगर मैं बात करूँ एंटोनियम सिनोनियम्स इन सब की तो उसमें आपको अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है इससे आप कंफर्टेबली टू हंड्रेड में से हंड्रेड uh, प्लस या फिर वन थर्टी प्लस सो so गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस, इस चैनल को डिफेंस क्रैक को फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किस इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर योर ऑल योर क्वेरीज स्टे कनेक्टेड जय हिंद